फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जून 2022 फ्राइडे। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिन में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम लोग पहले डॉलर इंडेक्स से चालू करेंगे। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.31, सम सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड वी नीड टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्राइंगल पैटर्न। तो इधर डायरेक्शन में एक मूवमेंट हम देख सकते हैं। ऐसे भी आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से 17 जून के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है एंड उसके बाद आवरली बेसिस पे फॉलो थ्रू होता है, देन वी मे एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूवमेंट इन दिस इंडेक्स पार्ट। डॉलर रुपी में कल क्या हुआ है कि ट्रेडेड हाई ऑफ 78.3750। यहाँ पे आप 23 जून एंड 22 जून बैक टू बैक दो तीन का हाई देखोगे जो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम बोले तो 22 जून का हाई है आपका 78.40, वेयर इज 23 जून का हाई है 78.38। सो इट्स ट्विजर टॉप फॉर्मेशंस। आप देखो ट्विजर टॉप फॉर्मेशंस का मतलब क्या है कि जब तक इसका हाई नहीं तोड़ता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर रुपी नीचे की तरफ मूव करे, हायर प्रोबेबिलिटीज। तो ऐसे भी हमारा एक्सपेक्टेशंस ये है कि 17 जून के लो के नीचे क्लोज देना है जो पिछले चार ट्रेडिंग डे से हो नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बार ये 17 जून के लो के नीचे क्लोज दे देता है एंड उसके बाद आवर्ली बेसिस पे उस लो के नीचे फॉलो थ्रू देता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 77.35 से 40। कल हम लोग ओवरनाइट रेट के बारे में बात कर रहे थे कैस्टोम एंड टाउनस्पोर्ट, जहां पे वो 0.40 था लेकिन कल इम्प्रूव होके ये हायर में गया है। डेट मीन्स सप्लाई, डॉलर सप्लाई काफी बढ़ गया है। सो जो हम लोग सोच रहे थे कि अगर ये क्या पेरिटी चला जाए, एट पार हो जाए, बाय सेल करने से भी कोई बेनिफिट ना मिले, सेल बाय करने से भी कुछ पे ना करना पड़े एंड डिस्काउंट में जाना, यानी जब बाय सेल करेंगे तो मार्केट को पे करना पड़ेगा, ये दैट पर्टिकुलर सीनरियो कहीं ना आ जाए, तो कल का जो कस्टम है वो थोड़ा सा लेवल ऊपर की तरफ गया है। दैट शोज दैट वो जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है या डिमांड ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा मिटिगेट हो गया है लग रहा है। आज का कस्टम एंड ट्रांसपोर्ट अगर वैसा ही आपका 70 के आसपास रह जाता है और 40 या 40 के नीचे नहीं जाता है देन वील एज्यूम दैट द सप्लाई इज इंक्रीजिंग। जीबीपी डॉलर में कल देखेंगे एक डोजी फॉर्म हुआ है, डोजी मींस पॉज कैंडल। तो ऐसा लग रहा है कि आपका 21 जून की हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 1.2450 हो सकता है। यूरो डॉलर में देखेंगे, यूरो डॉलर में कल एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इट्स ए इनसाइड बार कैंडल। दैट बीइंग द केस आपका 22 जून के हाई के ऊपर एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है एंड 22 जून के लो के नीचे थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके क्या ऊपर जाएगा या नहीं, लेकिन कल उसके लो के नीचे क्लोज दे चुका है। दैट बीइंग द केस थोड़ा सा सॉफ्टनेस बरकरार है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचने का कोशिश करेंगे तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है आज या आने वाले दिनों में देन इसका जो ऊपर का मोमेंटम है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जीबीपी आईएनआर में भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है, इट्स अनदर इनसाइड बार विद इन 22 जून। दैट बीइंग द केस 22 जून के हाई के ऊपर थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 22
जून के लो के नीचे हम थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेपीवाई आईएनआर देखेंगे कल थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिगेन हुआ है। यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन से दैट बीइंग द केस देयर आर हायर चांसेस कि इट इज मूविंग हायर टुवर्ड्स 0.59 से 0.5930। और एक बार अगर 0.59 से 0.5930 के ऊपर क्लोज दे देता है देन द डब्ल्यू विल ट्रिगर्ड एंड इन सच अ केस इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.61 से 0.6150 के तरफ। यूरो आईएनआर में कल एक सेल ऑफ देखा गया है तो बट वही है कि एक 22 जून के हाई के ऊपर एक ऊपर की तरफ हम मोमेंटम देख सकते हैं एंड उसके लो के नीचे एक थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डॉलर कैंडी का देखेंगे डॉलर कैंडी में कल आपका थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया लेकिन हायर लेवल्स में प्राइस गॉट रिजेक्टेड। अब देखोगे 22 तारीख को भी हायर लेवल पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड कल भी हायर लेवल पे प्राइस गॉट रिजेक्टेड। व्हाट इट मींस ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सेलर्स दिख रहा है। दैट बीइंग द केस आपका 22 जून के लो के नीचे अगर थोड़ा आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाता है देन वी मे एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 1.2850 देन 1.2775 एंड इन 1.2600। अगर ऑसी डॉलर देखेंगे ऑसी डॉलर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है एंड हमें अभी देखना है कि ये जो डबल बॉटम है यहाँ पे सपोर्ट करके ऊपर जाता है या नहीं। वी नीड टू बी न्यूट्रल इन दिस पर्टिकुलर केस। ऊपर के लिए भी हम तैयार रहेंगे एंड नीचे के लिए भी हम तैयार रहेंगे। डॉलर सीएनएच में कल एक सेल ऑफ देखा गया है। अभी हमें इंतजार करना है 16 जून के लो के नीचे क्लोज देना। जब तक ये लो के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक एक ये साइडवेज ये रेंज के बीच में आपका 15 जून एंड 13 जून के रेंज के अंदर में यानी 13 जून के हाई और 15 जून के लो के अंदर में ही ये थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। जब तक ये 16 जून के लो के नीचे क्लोज नहीं देता है। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है स्पिनिंग टॉप एज वेल एज इनसाइड बार टू 22 जून। दैट बीइंग द केस 22 जून का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके लो के नीचे और थोड़ा फ्रेश सेल ऑफ एक्सपेक्ट हो सकता है एंड हाई के ऊपर थोड़ा सा बाईबैक हो सकता है एंड विद इन दिस रेंज ऑफ 22 जून थोड़ा सा साइडवेज चॉपी वोलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर हम यूएस 10-ईयर ट्रेजरी देखेंगे यूएस 10-ईयर ट्रेजरी में क्या हुआ 22 जून के लो के नीचे फॉलो थ्रू दे चुका है। दैट बीइंग द केस कीपिंग दिस एज रेजिस्टेंस जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है वी मे एक्सपेक्ट सम लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस एंड अपटिक मे बी सोल्ड एंड इसके हाई के ऊपर ये स्ट्रेटेजी निगेट करेगा। सो अभी के लिए करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।